है गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके नाइन्थ बायोलॉजी के अंदर। यहाँ पर देखिए आपका जो संघ चल रहा है वो है संघ इकाइनोडर्मेटा। इससे पहले हमने संघ मोलस्का, संघ अर्थोपोडा ये सब पढ़ा लिए हैं। तो इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो है ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, इकाइनो ये मैं इसका मीन्स होता है कांटेदार। क्या होता है? कांटेदार। और डर्मी मीन्स क्या होता है? डर्मा। डर्मी सुना होगा, डर्मा। डर्मा मीन्स जो होता है वो होता है त्वचा। क्या होती है? त्वचा, कांटेदार त्वचा। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब हुआ? कांटेदार त्वचा। ठीक है, तो जिन जीवधारियों के अंदर क्या होते हैं, बाह्य त्वचा में कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, कांटेदार होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने अंतः कंकाल उसके अंदर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ये कांटेदार त्वचा कहते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए, तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पर इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं जो आपको मैं बतला रहा हूँ यहाँ पर, वो देखिए इसमें इसके कुछ मुख्य लक्षण जो हैं वो आपको करने हैं। नंबर एक, इस संघ के जंतुओं में पंचतई यानी पांच भुजाएं पाई जाती हैं, ज़्यादातर पांच भागों में बटा हुआ होता है। अरेही सम्मति यानी सिमेट्रिकल, यानी किसी भी तरीके से इसके अंदर क्या होता है आपकी स्टारफिश जिसे कहते हैं वो भी पाई जाती है। पंचतई यानी पांच भुजाएं वाली इस तरीके की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो इसे क्या है, देखिए किसी भी अक्ष से बराबर दो भागों में आप इसे बांट सकते हैं। एरा एक दो, और इस अक्ष से काट सकते हैं या इस अक्ष से काट दीजिए, बराबर दो भागों में बटेगा, तो ऐसा काट कहलाती है अरे सम्मिति। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो ये इस पाई जाती है। दूसरा जो मुख्य लक्षण है, इनका शरीर गोलाकार होता है, गोल आकार का होता है, बेलनाकार भी होता है, या सितारे के समान होता है, या फिर सितारे जैसे सितारा मछली होते हैं, सितारा ये स्टार की तरह, या तो स्टार होता है, गोल होता है, ठीक है, समुद्री खीरा होता है वो भी, ठीक है, गोल होता है, बेलनाकार होता है, इस तरीके से। ये चित्र भी मैंने आपको भेज दिए हैं। देह भित्ति में COC3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की पट्टियों से बना डर्मल अंतः कंकाल होता है, जिन पर कांटे से खड़े होते हैं, यानी कि इसमें अंतः कंकाल पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है, उन पर कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनके शरीर में जल संवहनी तंत्र होता है, ये शरीर के सभी भागों में भोजन और ऑक्सीजन पहुँचाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? जल संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी जल को ले जाने वाला, जिसके जरिए से भोजन उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, और ये ऑक्सीजन को भी पहुंचाता है इसके अंदर। आगे है, इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। देखिए एक वर्ड आया है इसके अंदर, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन बोलते हैं इसको, पुनरुद्भवन इसको बोलते हैं इसके अंदर, रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन का मीन्स जो होता है वो ये होता है कि ये जो होते हैं ये जीवधारी ऐसे होते हैं कि भाई अगर इनका कोई अंग कट जाए तो ये क्या होते हैं, ये अंग दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। ऐसा अंग क्या कहलाता है, ऐसे जीवधारी क्या कहलाता है? पुनरुद्भव जिन जंतु, ठीक है ना, ये होता है। ओके, तो ये था। इसके अंदर तारा मछली आती है, समुद्री अर्चिन आता है, ठीक है, ब्रिटल स्टार आता है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।